लोग लोकसभा में अब आपको लेकर चलते हैं जयपुर शहर, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल के समर्थन में सभा को संबोधित कर रहे हैं। मिलेगा और वो चुनाव जीत के जाएंगी तो जीतने के बाद में आपके बीच में आती जाती रहेंगी, नंबर एक, नंबर दो आपके सुख दुख में हमेशा साथ निभाएगी और नंबर तीन जयपुर की आवाज को दिल्ली की पंचायत में उठाने में कमी नहीं रखेगी। जो 5 साल से आप आवाज जयपुर सुन नहीं रहे हो, सुन नहीं रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, जैसे कुछ जयपुर में जयपुर की आवाज बुलंद करना बहुत आवश्यक है। और 3 महीने पहले हमारी गवर्नमेंट बनी है, आपका एक वोट हमारी गवर्नमेंट को ही मजबूती प्रदान करेगा, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। चुनाव जीतेंगे लोकतंत्र में, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, जयपुर में सरकार आपकी, दिल्ली में आपका नुमाइंदा होगा, यूपीए गवर्नमेंट बनेगी, आवाज उठाने वाले होंगे तो हमें ज्यादा इमदाद मिलेगी। और मैं चाहूंगा कि जो हालात है देश के अंदर उसको सबको समझने की आवश्यकता है। 5 साल पहले ऐसे माहौल बना दिया मोदी जी ने, काला धन लेके आएंगे विदेशों से, 1 रुपये लेके नहीं आया और चुनाव में उसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं है। लोकपाल बनाएंगे 5 साल बाद में, अभी बनाया 1 महीना पहले, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाया। महंगाई कम कर देंगे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते गए, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें घट गई, आदि हो गई तभी बढ़ते गए थे, टैक्सेस लगा दिए गए। नौकरी देंगे 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौजवानों को, आप देख चुके हो क्या हालात है। और भी कई लंबी बड़ी बातें करी थी, बुलेट ट्रेन चला देंगे, स्मार्ट सिटी बना देंगे, जयपुर भी उसमें नाम था, गाँव एक गाँव गोद लेगा हर MP, सारी स्कीमें उनकी धरातल पर आई नहीं, जुम्मेवारी चलती गई 5 साल तक, विदेशी दौरे बहुत किए, हमें ऐतराज नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव कहीं जाए, पर ये मैंने पहली बार देखा कि विदेशी धरती पर जाकर के कोई देश का प्रधानमंत्री अपने मुल्क के बारे में कहे कि हमारे वहाँ आज तक 70 सालों कुछ नहीं हुआ, मैं नया भारत बनाने जा रहा हूँ, इसमें मुझे ऐतराज है। कोई प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री आते हैं बाहर के मुल्कों से, आपने कभी नहीं सुना होगा वो अपने मुल्क के बारे में या कोई पब्लिक मीटिंग करे या यहाँ पे कोई बुराई करे अपने मुल्क की, आज तक इतिहास में नहीं होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी एम्बेसी के थ्रू पब्लिक मीटिंग करवाना वहाँ पे, जो NRI उनकी, वहाँ भाषण देना, पॉलिटिक्स करना और बुराई करना, ये पहली बार परंपरा कायम मोदी जी ने करी है। 70 साल का इतिहास गवाह है कि जब से देश आजाद हुआ आज जो मीटिंग हो रही है हमारी, ऐसी लाखों मीटिंग चल रही है।